वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू इनेबल फ्लैश लाइट फॉर नोटिफिकेशन। पीछे फ्लैश लाइट को इनकमिंग कॉल या ऐप नोटिफिकेशन के लिए वर्चुअल अलर्ट के रूम में यूज किया जा सकते हैं। ये फीचर्स उनके लिए बहुत कम आएगा जहाँ फोन का वाइब्रेशन या रिंग टोन नहीं सुन सकते। इसे एक्टिवेट करने के लिए फोन के सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स ओपन करने के बाद यहाँ सर्च बार पे फाइंड करना है फ्लैश। अब इस इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करके सीधा फ्लैश नोटिफिकेशन में जा सकते हैं, या तो फोन सेटिंग्स ओपन करके स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर जाइए। नेक्स्ट एक्सेसिबिलिटी, इसके बाद एडवांस सेटिंग्स में जाना होगा। गाइस यहाँ पर आपको फ्लैश नोटिफिकेशन फीचर्स देखने को मिल जाएगा। कैमरा फ्लैश नोटिफिकेशन, पहले इसे टर्न ऑन कर दीजिए। इस फीचर्स को एक्टिवेट करने से जब भी हमारे फोन में कोई इनकमिंग कॉल, मैसेज या ऐप नोटिफिकेशन आएगा तब फोन के पीछे कैमरा फ्लैश लाइट ब्लिंक करते रहेगा। यहाँ ऑल ऐप्स पे क्लिक करिए। बाय डिफॉल्ट ऑल एप्लीकेशन सेट रहते हैं, तो इनमें से अपना जरूरत की एप्लीकेशन रख के बाकी सब बंद कर दीजिए। मुझे सिर्फ इनकमिंग कॉल और मैसेज के लिए चाहिए था, इसलिए बाकी सब बंद कर दिया। दोस्तों अब मैं आपको फ्लैश लाइट का एक स्पेशल फीचर्स बताऊंगा, वो है स्क्रीन फ्लैश नोटिफिकेशन। तो पहले से टर्न ऑन कर दीजिए। जब डिस्प्ले ऑन रहेगा और कोई ऐप से नोटिफिकेशन आएगा, इस तरह डिस्प्ले के ऊपर येलो कलर दो बार फ्लैश करेगा। इस फ्लैशिंग कलर को अलग अलग एप्लीकेशन के लिए चेंज कर सकते हैं। यहाँ सिलेक्ट ऐप्स में जाके इनमें से कोई एक एप्लीकेशन चूज कर लीजिए, फिर उसके आगे कलर साइकिल पे टैप करके दूसरा कोई भी कलर सेट कर सकते हैं। जब अगली बार नोटिफिकेशन आएगा डिस्प्ले दो बार फ्लैश करेगा। ये केवल तभी काम करता है जब फोन अनलॉक हो, स्क्रीन ऑफ या फोन लॉक रहने पर यह काम नहीं करेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप इनकमिंग कॉल और कोई ऐप की नोटिफिकेशन के लिए फ्लैश लाइट यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।